जनपद महोबा का बहुचर्चित इंद्रकांत त्रिपाठी हत्याकांड में अब राजनीतिक पार्टियों की सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। सपा के पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा नाटकीय ढंग से मृतक इंद्रकांत त्रिपाठी के घर पहुंचे और परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि कबरे की व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी हत्याकांड के बाद लगातार राजनीतिक पार्टी अपनी राजनीति चमकाने में लगी हुई है। वहीं आज समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ इंद्रकांत के घर जा रहे थे, तभी खन्ना होटल प्लाज्मा में पुलिस द्वारा रोक लिया गया, लेकिन अभिषेक मिश्रा पुलिस को चकमा देकर निकल आए और मृतक इंद्रकांत के घर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की। वहीं पूर्व सपा मंत्री अभिषेक मिश्रा ने कहा कि जिले में प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसी घटना घटी है जिसके ऊपर सुरक्षा की जिम्मेदारी है और वह ऐसी घटना कर दे, जैसा कि मृतक परिवार आरोप लगा रहा है कि साजिश कर हत्या करवाने की, वह भी पैसों के खातिर। हत्या से पहले त्रिपाठी जी ने वीडियो वायरल किया, यह और है उस समय कोई जिम्मेदार इसे संज्ञान में लेता तो शायद आज त्रिपाठी जी जिंदा होते। और कहा कि मृतक के परिवार ने जिला पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और समय आने पर वह सबके सामने आ जाएंगे। आज हम लोग सिर्फ परिवार को सांत्वना देने आ रहे थे, तभी हमारे साथियों को कई जगह रोका गया और पुलिस द्वारा अत्याचार भी किया गया, जबकि कल एक नेता आए हुए थे जिन्हें नहीं रोका गया। अब मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि वह एक विभाग बना दें कि हम किसी भी मिट्टी में जाने के लिए लोगों को पास मिल सके, कोई किसी का रिश्तेदार है या कोई खास। क्या परेशानी हुई, कहाँ की रहने वाली हैं आप? मोबाइल का क्या करने, आप चलो 10 मिनट में आ तो रहे, और हमारे पति को लेके चला गया। उसके बाद हमारे पापा को सुबह 2 बजे या 3 बजे के समथिंग फ़ोन आया कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया। हमारे पापा जब वहाँ पहुँचे तब देखा कि हमारे पति जिंदा ही नहीं थे। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस वालों से कहा, बात की, फ़ोन से बात की, तो पुलिस वालों ने ये कहा कि तुम्हारा पति जो आज हुआ अकेला, तुम्हारे पति ने ड्रिंक की, तुम्हारे पति ने, तो क्या पुलिस वाले ड्रिंक कर रहे थे जब वहाँ थे या जुआ खेला तब थे? किस थाने के ऐसा कह रहे थे? जी, कुलपहाड़ थाने के ऐसो ने ऐसा कहा। अच्छा ठीक। ये कौन है आपकी? ये हमारी सासू माँ है, ये हमारी माँ है। आपका इस विषय में, इस घटनाक्रम के विषय में क्या कहना है? हमारा तो यही कहना है कि जो हमारा मतलब पहले से विवाद था, हमारे पति की हत्या में भी इसका हाथ था, जो पहले हम समझ नहीं पाए। आज भी जो प्रकरण क्या है, ये कोई आपका पूर्व झगड़ा चल रहा है? जो हमारे हिस्से की जमीन थी इसने अपने नाम करवा ली थी जी। तो जमीनी विवाद हम कानूनी मुकदमा के तहत से लड़ रहे थे, लेकिन इनने मतलब ये लड़का जो था हमारा एक ही दमान, तो मतलब इन्होंने खेतों में जाकर फसल वसल कटवा दी, इस वजह से इसने उनका कुल मिला के। अब आप चाहती क्या है? हमें न्याय चाहिए। जमीनी विवाद में आपके पुत्र की हत्या हुई? हाँ, जमीनी विवाद में हमारे पुत्र की हत्या हुई। और अधिकारी क्या कह रहे हैं? अधिकारी कह रहे हैं कि मतलब हम ये एक्सीडेंट है। अच्छा ठीक। शासन ने अपनी ताकत उसके पीछे दी, वर्दी दी। अगर वो लोग, परिवार ऐसा कह रहा है कि उन्होंने साजिश रची है, बोली मरवा दी, उन्होंने साजिश रची है, और किस लिए? पैसे के। पैसे की उगाही में परिवार ने पहले ही, त्रिपाठी जी ने अपनी बात रखी, वीडियो वायरल हुआ, उस पर शासन ने, प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। क्यों नहीं की कार्रवाई? अगर हो सकता उस समय एक्नॉलेजमेंट हो जाता, डीजीपी साहब देख लेते, प्रमुख सचिव साहब देख लेते, माननीय मुख्यमंत्री जी क्या कोई देख लेते, लोकल डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर साहब देख लेते, कमिश्नर साहब देख लेते, डीआईजी देख लेते, आईजी देख लेते, कई सारे नोडल बनाए गए हैं, उनमें से कोई नोडल देख लेता, तो हो सकता है आज त्रिपाठी जी की जान बच गई होती। उसके बाद उनके परिवार के बच्ची के वीडियो वायरल हुआ, आपने देखा होगा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं, और फाइनली उनको गोली मार दी गई और उनकी मौत। आज हम लोग परिवार के साथ सांत्वना देने के लिए, परिवार को ये विश्वास दिलाने के लिए कि आपके दुख की घड़ी में एक तरीके से इतना बड़ा धोखा सिर्फ उत्तर प्रदेश में इनके परिवार को नहीं, बल्कि पूरे समाज को आज महसूस हो रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश को महसूस हो रहा है, पूरे महोबा शहर को महसूस हो रहा है,
कि जो अगर हम पुलिस पे विश्वास न करें, अगर हम शासन ने जिसको जिम्मेदारी दी उस पे विश्वास नहीं कर सकते तो किस पे विश्वास करें। अभी परिवार ने मुझको ये भी बताया कि आज की तारीख में जो बाकी पुलिस के अफसर हैं यहाँ पर जिले में जो पोस्टेड हैं, वो लोग भी इनके खिलाफ काम कर रहे हैं। किसी ने घर में घुस करके एक पार्टनर के मकान तोड़ करके, गेट तोड़ करके उनको अरेस्ट करने की कोशिश की, जब सीसीटीवी दिखा तो भागे वहां से। परिवार ने यह भी शिकायत की कि जो सिपाही साथ में बैठा था एम्बुलेंस में जो जा रहा था, जब उनको गोली लगी थी उसके बाद, उस सिपाही के भी खिलाफ बड़ी गंभीर शिकायतें रखी हैं। इन्होंने कहा है वक्त आने पे एसआईटी के सामने पूरा बयान देंगे और पूरी बात रखी। ये बहुत इतना बड़ा विश्वास के साथ जो घात हुआ है, इतना बड़ा विश्वासघात मुझे नहीं लगता कोई दूसरा उदाहरण है, और ये बहुत गलत बात है। आज हम लोग सिर्फ सांत्वना देने आ रहे थे। मुझको ये बताया गया कि कल भी कोई एक आदमी आया था पॉलिटिकल सिस्टम से ही, एक व्यक्ति पहुंचे थे, उनको आने दिया गया। आपको प्रोफेसर अभिषेक मिश्र क्यों पहुंच जाए त्रिपाठी जी के यहाँ, ये आप नहीं चाहते, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। या तो शासन प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री जी एक विभाग बना दे, मेरा निवेदन है, मीडिया के साथियों से निवेदन करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी एक विभाग बना दे जिसमें जहां कहीं किसी की मौत हो उसके लिए लोग अप्लाई कर दिया करें कि साहब हमें गेट पास या रोड पास इशू कर दीजिए जिससे पुलिस रोके ना, और हम लोगों को रोड पास मिल जाए जिससे कि हम किसी के अंत्येष्टि में शामिल हो सके। भाई कोई किसी का परिवार है, किसी का रिश्तेदार है, किसी का उससे रिश्ता है दिल का, अगर उसमें आप अंत्येष्टि में नहीं पहुंचने देंगे, अंतिम संस्कार में नहीं पहुंचने देंगे, परिवार के दुख में नहीं पहुंचने देंगे, ये कौन सा नियम है, कौन सा कानून है, किस नियम के तहत आप रोक रहे हैं? आज भी हमने हमारे सारे साथियों को लगातार उन्नाव में, कानपुर में, हमीरपुर में, खन्ना टोल प्लाजा पे, महोबा में लगातार पुलिस अत्याचार कर रही, पुलिस रोक रही। आपको किस अधिकार में आप रोक रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि हम त्रिपाठी जी के यहाँ ना पहुंचे, इनके दुख में न शरीक हो जाए? आपको ऐसी क्या दुश्मनी है त्रिपाठी जी से? और त्रिपाठी जी इस परिवार। महोबा से यूपी 24 न्यूज के लिए जिला संवाददाता संतोष कौशिक की रिपोर्ट।